सलाम आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव 24x7। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरणों का चुनाव यहां पे हो रही है और बात की जाए बिहार की तो शांतिपूर्ण ढंग से पोलिंग हो रही है और यहां पे मतदातागण बूथ पे आए हैं पोलिंग के लिए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दे पे ये मतदान करने के लिए। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार है। किन मुद्दों के साथ आप वोट पोलिंग करने के लिए आए? मुद्दा तो बहुत कुछ है, जैसे में सबसे पहले तो एजुकेशन है, पढ़ाई है, उसके बाद विकास है, सिटी का विकास है, गांव का विकास है, ये सबके साथ आप वोट पोल। आपका नाम क्या हुआ? सिद्ध नारायण प्रसाद। आप मतदान करने के लिए आए हैं, किन मुद्दे के साथ आप मतदान कर रहे हैं? किन मुद्दे मतदान तो मतलब कि अथी के लिए कर आए किया है। तो क्या चाहते हैं कि ये मतदान करने के लिए आते हैं तो लोग सोचते हैं कि विकास हो, किस तरीके का विकास? तो अलग बात है, यहाँ मतदान करने के लिए आए हैं तो हम लोग धूप में ऐसी हैं, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, किस तरह से मतदान करें? डेढ़ घंटा से हम खड़े हैं धूप में, कैसे क्या करें? कोई व्यवस्था है मतदान कराने के लिए कि कैसे मतदान करावे? इस तरीके आदर्श से ना पानी कुछ की व्यवस्था है, पानी पिए लगे है, किसे इतना गर्मी है, पानी भी नहीं है पीने के लिए। पंडाल वहाँ जहाँ अपने आदमी खड़ा हुआ पंडाले नहीं है, धूप में खड़ा है, और जहाँ कोई ना खड़ा हुआ पंडाल है, यही आदर्श होता है। जहाँ यहाँ बिल होना चाहिए, यहाँ मतदान कर्मी और मतदाता दोनों अपने मन से कर रहे हैं, बेचारे मेहनत करके। बी एल ओ को जिसको है, क्या कहते हैं, स्लीप नहीं है, वो आदमी खोज रहा है। मतदान कर्मी तो अपना अपना पानी लेकर के आए हैं, सब पी रहे हैं, वोटर कहाँ जाएगा पानी पिए लगे? हम नियो सामान बोतल बांध के चले हैं। जिला पदाधिकारी से क्या आपकी गुजारिश है? पहले सारा व्यवस्था की करवावे, पानी का व्यवस्था करवावे, पहले मतदान सारा चीज की करवावे। जलपान पहले ही से प्रसारित कर रहे थे कि पहले मतदान उसके बाद मतदान में है कि पानी का व्यवस्था होनी चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मधुरंजन कुमार हंसराज। आपका क्या नाम हुआ? अक्षय कुमार। धन्यवाद। चंद्र कुमार, किस मुद्दे के साथ आपने अपने मत का प्रयोग किया? हमारा मुद्दा यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में जो मूलभूत कमियां हैं उसके लिए अभी तक जिनकी भी सरकारें बनी हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाई हैं। और जहानाबाद की स्थिति है कि जहानाबाद में विकास के नाम पर किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है पिछले 10 से 15 वर्षों की बात कर लें तो मैं चाहता हूं कि जहानाबाद का सर्वांगीण विकास हो। यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे अभी राजा बाजार जाने के क्रम में इतना जाम का सामना करना पड़ता है कि पब्लिक को इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, उसका उस रोड में आने जाने वाले को ही पता है। बाद बाकी जो एयर कंडीशन में रहने वाले हैं, नेतागण हैं, उन लोगों को इस समस्या से कभी रूबरू नहीं होना पड़ा। तो हमारा मुख्य मुद्दा जहानाबाद जिला की ओर से यही है कि उस रोड का या तो फ्लाईओवर बना करके उस भीड़ को नियंत्रण किया जाए, परेशानी को दूर किया जाए। आपका नाम क्या हुआ? सत्येंद्र कुमार। जो कर रही चाची, आपका नाम क्या हुआ? अंजू कुमारी। किस मुद्दे के साथ आपने अपने मत का प्रयोग किया है? देश का विकास हो, सारा सुविधा मिले, और क्या, पढ़ाई लिखाई, बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो, इसके लिए। क्या यहाँ के जो मतदान जिन आपने जिस मत का प्रयोग किया है अगर वो जीतते हैं तो क्या इन मुद्दों को जिस मुद्दे पे आपने चुनाव के लिए वोट किया है क्या वो करेंगे? करेंगे, पक्का करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे कुछ महिला मतदाता हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग करके निकल रही हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किन किन मुद्दों पे मतदान किए हैं। आपका नाम क्या हुआ? कौशल देवी नाम है। किस मुद्दे पे आपने मतदान किया है? ये है कि बाल बच्चा के मैंने किए रोजी रोजगार नहीं है, ठेला वाला चलाता है, आपका नाम क्या हुआ? कौशल देवी नाम है। आपका नाम क्या हुआ? कुमारी। किस मुद्दे के साथ आपने अच्छा मतदान का प्रयोग किया? अच्छा सरकार, मैंने इस योगदान दिया इसलिए। किस तरीके का सरकार अच्छा है, क्या सरकार से आपकी उम्मीद है? अच्छी हो जाए। साथ में आपका क्या नाम हुआ? किस मुद्दे के
साथ आपने मतदान किया है और आपका क्या चुनावी मुद्दा है कि मैं अच्छा रोजगार हो गया, अच्छा बाल बच्चा के भविष्य बने, अच्छा सब चीज में संस्कृति हो गया, क्या सुनना चाहिए इस मुद्दे के साथ आपने? सब चीज महंगा है, सस्ता होना चाहिए, इतना गरीब आदमी कैसे पेट चल रहा है। गैस सिलेंडर, धन्यवाद।